विरामबाद आपनु स्वागत छे। तो अयोध्या में लेजर लाइट शो नु आयोजन थयु छे। यूपीना अयोध्या में आज दीपोत्सव कार्यक्रम की उजवणी करवामां आवी रही छे। तेवामां कार्यक्रम में भाग लेवा माटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक नेताओं अने घणा देशोना राजदूत पण पहोंच्या छे। अयोध्या में दीपोत्सव दरमियान विविध घाट पर 24 लाख थी वधु दीवा प्रगटावामां आव्या छे। सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू नदी पर आरती करवा पहुंचा था। दीपोत्सव कार्यक्रम सांजे 7 वाग्या शुरू थयो। दीपोत्सव में राम की पेढ़ी पर ज 21 लाख दीवा प्रगटावीने एक वर्ल्ड रेकॉर्ड पण सर्जवामां आव्यो छे। इस वक्त हम भगवान राम की नगरी अयोध्या के राम की पौड़ी घाट पर मौजूद हैं और यहां पर लेजर लाइट शो चल रहा है और इस लेजर लाइट शो के जरिए भगवान राम के जीवन पर आधारित पूरी कथा को उकेरने की कोशिश की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि बड़ा सा स्क्रीन लगा है जिसमें पूरी रामायण को बहुत संक्षिप्त रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है और इस कार्यक्रम को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग जो अयोध्या के घाट हैं या राम की पौड़ी है वहाँ पर मौजूद हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरयू नदी बह रही है और फव्वारा जो है रंग बिरंगा वो भी है ताकि पूरा नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख सके। और साथ ही साथ जहां पर लोग खड़ा होकर के इस नज़ारे को देख रहे हैं वहां पर आपको हजारों की संख्या में जो दीप प्रज्वलित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राम की पौड़ी पर अकेले 40,500 से ज़्यादा दिए जलाए गए हैं और इसी तरह से अयोध्या के 51 घाटों पर करीब 21 लाख से ज़्यादा दिए एक तरह से जलाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 24 लाख दिए जलाए गए हैं जिसमें 21 लाख दिए अगर जलते हैं तो ये एक तरह से विश्व रिकॉर्ड होगा। तो इसी दीपोत्सव को और भव्य बनाने के लिए न सिर्फ आतिशबाजी की गई बल्कि देश विदेश के कलाकारों ने रामलीलाएं की और लेजर लाइट शो के जरिए जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम की पौड़ी पर पूरी रामायण को संक्षिप्त तौर पर इकोरने की कोशिश की गई है। अयोध्या से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। प्राथमिक कृषि विषयक सहकारी मंडली ने अपाशे सहाय, गोडाउन कम प्रोसेसिंग यूनिट बनावा सहाय अपाशे। 50 लाख की मर्यादा में राज्य सरकार आपशे सहाय, बजेट की जोगवाई मुजब कृषि विभागे ठराव कर्यो छे। प्राथमिक कृषि विषयक सहकारी मंडली ने गोडाउन बनावा सहाय अपाशे, गोडाउन कम प्रोसेसिंग यूनिट बनावा माटे सहाय आपवामां आवशे। राज्य सरकार आपशे 50 लाख की मर्यादा में सहाय। हिरण अमारी साथ जोड़ाई गया छे, हिरण शू जोगवाई करवामां आवी छे? સરકારે આ પ્રકારે પેક્સ એટલે કે કૃષિ વિષયક ધિરાણ સહકારી મંડળીઓ ગ્રામ્ય કક્ષાએ છે એવી મંડળીઓને તેમના ગોડાઉન અને પ્રોસેસિંગ યુનિટ બનાવવા માટે 100 લાખ રૂપિયાની કુલ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી। એની જાહેરાત રાજ્ય સરકારે કરી અને ઠરાવ બહાર પાડ્યો છે। એનો લાભ સીધી રીતે અ અને બ વર્ગની ઓડિટ ધરાવતી જે આ સહકારી મંડળીઓ છે કે જેમાં 500 મેટ્રિક ટન થી મોટા ગોડાઉનો બનાવવા માટે આ સહાય આપવામાં આવશે। એક ગોડાઉન માટેની જે રકમ છે એ 50 લાખની મર્યાદામાં આપવામાં આવશે એ પ્રકારની જાહેરાત આની અંદર કરવામાં આવી છે। બજેટમાં થયેલી જોગવાઈ નવું બજેટ આવે તે પહેલા જ રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને લાભ મળે તે હેતુથી આ ઠરાવ સહકાર વિભાગે કર્યો છે। આભાર તમામ વિગતો માટે હિરેન। महत्वपूर्ण समाचारों पर करीशुं नजर। हिमाचल, उत्तराखंड, काश्मीर में बर्फवर्षा, पहाड़ों पर बर्फवर्षा थता ठंडक प्रसरी छे। काश्मीर में गुलमर्ग, युसमर्ग में बर्फवर्षा, पोशीनाना आसपासना विस्तारों में पण बर्फवर्षा। हिमाचल में अटल टनल पास बर्फवर्षा, रोहतांग, कमरुनाग में आवन जावन पर रोक लगावामां आवी छे। उत्तराखंड में अनेक विस्तारों में माइनस में तापमान पहुंची गयु। हिमाचल में बर्फवर्षानु येलो एलर्ट अपायु। मंडीना चौहार घाटी में वीजड़ी पड़ता 5 ढोरना मौत थया छे। तो बद्रीनाथ में तापमान 1 डिग्री जेटलू थई गयु छे। पहाड़ों पर बर्फवर्षा थई रही छे, ठंडक प्रसरी छे। काश्मीर में गुलमर्ग, युसमर्ग में बर्फवर्षा थई छे। बर्फवर्षाथी वातावरण माइनस में पहुंची गयु छे। तो हिमाचल में बर्फवर्षा ने लईने येलो एलर्ट आपी देवामां आव्यु छे। तो राज्य में धीरे धीरे ठंडीनो चमकारो शुरू थई गयो छे। मोटाभागना शहरों में तापमान गगड्यू छे। राज्य में नलिया सौथी ठंडू शहर बन्यु छे। नलिया में लघुत्तम तापमान 18.8 डिग्री, गांधीनगर में 19, अमदावाद में 20.3 डिग्री। तो आगामी 5 दिवस तापमान में 1 થી 2 डिग्री वधघटनी संभावना।
अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में बारिश होने का संभावना नहीं है, मोस्टली ड्राई वेदर रहने का संभावना है और टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर यानी डे टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव होने का संभावना नहीं है। 1-8 डिग्री घट सकता है, कम हो सकता है, कहीं कहीं जगह में 1-8 डिग्री बढ़ भी सकता है एंड मिनिमम टेम्परेचर में 1-8 डिग्री फॉल हो सकता है, 2 डिग्री तक फॉल होने का संभावना है। अगले 2-3 दिन में 2-3 डिग्री फॉल हो सकता है। मोस्टली जो टेम्परेचर अहमदाबाद का देखा जाए तो अहमदाबाद में जैसे अभी 20 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हो रहा है, अराउंड 18 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस का अंदर में रहने का संभावना है। तो शहर में प्रदूषण नु प्रमाण गंभीर स्थिति तरफ, आज अहमदाबाद नु सरेराश EQI 167, वटवा में प्रदूषण नु लेवल सौथी खराब स्थिति पहुंचू, वटवा में EQI 370 अति गंभीर स्थिति, मणिनगर में EQI 243, तो रखियाल में 240, कठवाड़ा में 207, नवरंगपुरा में 188, पीराणा में 190, चांदखेड़ा में 165, तो लीखवाड़ा में 278 EQI छे ते पहुंची गयु छे। आयुषी याज्ञिक लाइव जोड़ाई चुक्या छे। आयुषी, अमदावाद में पण हवा छे ते प्रदूषित बनी रही छे, श्वास लेवा लायक हवा नथी रही, अमदावाद नी केवा प्रकार नी परिस्थिति छे, कया कया विस्तारों में शू EQI सामे आवी रह्यो छे? बिल्कुल अवनी, जे रीते अमदावादनी हवा छे झेरीली बनी रही छे कारण के पॉल्यूशननू स्तर छे सतत वधी रह्यू छे अलग अलग विस्तारोनी अंदर, एटले कि अमदावादना 99% विस्तारो एवा छे कि जे एर क्वॉलिटी पुअर सामे आवी रही छे। ओवरऑल जो अमदावादना एर क्वॉलिटीनी वात करीए तो आजे 179 एटले कि गंभीर परिस्थिति जे छे पुअर छे ते बतावी रह्यू छे कि अमदावादनी हवा खूब ज झेरीली छे। अलग अलग विस्तारो पर जो नजर करिए तो जे अमदावादना जे બોડકદેવ વિસ્તાર હોય, ગ્યાસપુર વિસ્તાર હોય, અલગ અલગ વિસ્તારના જે EQI સામે આવી રહ્યા છે તે તમામ EQI 170ને પાર પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે હાલ અમદાવાદની અંદર પોલ્યુશનની માત્રા વધી રહી છે। દિવાળીનો પર્વ છે એટલે લોકો જ્યારે ફટાકડા ફોડતા હોય છે તેના કારણે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોલ્યુશન હાલ વધી રહ્યું હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે। જો વિસ્તારની વાત કરીએ તો બોડકદેવ વિસ્તારમાં EQI 187 સામે આવ્યું છે, જ્યારે ચાંદખેડામાં 130, ગુમામાં 163, સૌથી ગંભીર પરિસ્થિતિ હોય તો તે વટવા GIDCની છે કે જ્યાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 370 સામે આવી રહ્યો છે, રખિયાલમાં 240, સોનીની ચાલમાં 177, એટલે કે અલગ અલગ કોઈ પણ એવો એક પણ વિસ્તાર નથી કે જ્યાં એર ક્વોલિટી સારી હોય, જ્યાં એર ક્વોલિટીની માત્રા હોય છે તે અંડર કંટ્રોલ હોય, કારણ કે તમામ વિસ્તારોની અંદર આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। મોટાભાગના તમામ વિસ્તાર કે જેમાં EQI છે કે જે 180 ને પાર પહોંચી ગયો છે, મણિનગરની પણ હવા સૌથી પ્રદૂષિત થઈ રહી છે કારણ કે ત્યાં પણ EQI જે છે તે 253 સામે આવ્યો છે। બીજી તરફ જો અલગ અલગ રખિયાલની વાત કરીએ તો 240 EQI સામે આવ્યો છે। અત્યારે પણ રોડ રસ્તા પર જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે જે આખી ધુમ્મસ જે છે, ધૂળની ડમરીઓ જે છે અને વાતાવરણ આખું ફેરફારવાળું જે છે તે પ્રકારનું જોવા મળે છે, કારણ કે જે ડસ્ટ છે, પોલ્યુશન છે, તેનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી ગયું, જેના કારણે હાલ અમદાવાદની હવા ઝેરીલી બની રહી છે। ઓવરઓલ EQI અમદાવાદ શહેરનો 179 છે કે જે 120ની અંદર 100ની આસપાસ હોવો જોઈએ, જો કે તેની પણ જે ક્રોસ કરી ગયો છે। વટવામાં EQI સૌથી ગંભીર અતિ ગંભીર પરિસ્થિતિ વટવાની છે, GIDCની છે કે જ્યાં 370ને EQI પહોંચી ગયો છે, એટલે કે અમદાવાદની હવા અત્યારે ખૂબ જ પ્રદૂષિત થઈ રહી છે અને હજુ તો આ તહેવારોની શરૂઆત થઈ છે, જો કે આવનારા દિવસોમાં આ EQI જે અત્યારે પુઅર બતાવી રહ્યું છે તે ખૂબ જ આગળ સુધી જઈ શકે છે, એટલે કે તે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ જે છે ઓવરઓલ અમદાવાદની વાત કરીએ તો તે 200ને પણ પાર પહોંચી શકે છે, તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ હાલ જોવા મળી રહી છે કારણ કે પોલ્યુશનની માત્રા સતત વધી રહી છે। આભાર આયુષ્ય તમામ વિગતો બદલ।